नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। इंस्पायरिंग ट्यूटोरियल चैनल पर मैं आरफी आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। सो आज की जो रीडिंग की टॉपिक है वो है आफ्टर न्यू मून आपके पर्सन का करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है वो हम जानेंगे, आपको लेकर वो क्या फील कर रहे हैं वो भी हम जानेंगे इस रीडिंग के जरिए। ठीक है, ये रहे आपके सामने दो ऑप्शन, ऑप्शन नंबर वन है पॉन्ड एंड ऑप्शन नंबर टू है नोज। जो भी ऑप्शन आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, वन एंड टू। आप चाहे तो वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। हाय, ऑप्शन नंबर वन, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है पॉन्ड। लेट्स सी एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, प्लीज मुझे बताइए जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर वन को चूज किया है उनके पर्सन का करेंट सिचुएशन क्या है आफ्टर न्यू मून, इस न्यू मून का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा है ऑप्शन नंबर वन के व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर, वो इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं। स्पेशली यहाँ पर लव रीडिंग किया जा रहा है, चाहे वो आपका क्रश हो, लवर हो, हस्बैंड वाइफ ही क्यों ना हो। मेरे व्यूअर्स इस वक्त अपने जिस पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं उनका इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है प्लीज़ मुझे बताइए, करंट सिचुएशन एंड करंट एनर्जी। आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक थोड़ा बहुत मुझे सैड वाला एनर्जी यहाँ पर मिल रहा है। पॉसिबिलिटी है कि वो कुछ रूठना मनाना टाइप का सिचुएशन उनका चल रहा है। रूठना मनाना या तो ये आपके साथ चल रहा है या फिर किसी और के साथ। अगर आपका पर्सन किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में है तो थर्ड पार्टी के साथ उनका इस टाइप का सिनेरियो चल रहा है, रूठना मनाना टाइप। लाइक आपके पर्सन मनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो दूसरा इंसान मान नहीं रहा है। ठीक है, एक तो वो दिख रहा है। और अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं है तो ये पर्टिकुलर किसी ऐसे इंसान के साथ इस वक्त करंटली इन्वॉल्व्ड है, लाइक घर का हो या जो भी उनकी क्लोज वन। ठीक है, उस पर्टिकुलर इंसान के साथ आपके पर्सन का इस वक्त अनबन चल रहा है। ठीक है, जिनके भी साथ आपके पर्सन आपके अलावा क्लोज हैं उस पर्टिकुलर इंसान के साथ इनका इस वक्त अनबन चल रहा है और वो उस पर्टिकुलर इंसान को बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो इंसान मान नहीं रहे हैं, जिसके चलते हुए आपके पर्सन इस वक्त थोड़ा बहुत सैड फील कर रहे हैं। साथ ही साथ आपके पर्सन के दिमाग में बहुत ही अननेसेसरी थॉट्स आ रहे हैं और ज़्यादातर थॉट्स नेगेटिव ही हैं, और वैसे भी अननेसेसरी जो थॉट्स होते हैं वो नेगेटिव ही होता है। आपके पर्सन की हालत भी कुछ ऐसा ही है इस वक्त, वो नेगेटिव ज़्यादा सोच रहे हैं, पॉजिटिव सोचने की हालत में इस वक्त वो नहीं दिख रहे हैं मुझे। ओके, और बताइए प्लीज़ मुझे ऑप्शन वन के व्यूअर्स के जो पर्सन हैं उनका इस वक्त क्या हालत है, उनका सिचुएशन इस वक्त क्या है। गुस्सा भी आ रहा है उन्हें क्योंकि सिचुएशन उनके हिसाब से नहीं हो रहा है, सिचुएशन वो अपने हिसाब से हैंडल नहीं कर पा रहे हैं जिस वजह से उन्हें गुस्सा भी आ रहा है। अगर आपका और इनका, आपके और इनके बीच अगर नो कॉन्टेक्ट जोन है तो इस नो कॉन्टेक्ट जोन में कहीं ना कहीं ये इंसान आपकी एनर्जी को मिस कर रहे हैं एंड उन्हें गुस्सा भी आ रहा है। ठीक है, वो आपको लेकर भी थोड़ा बहुत गुस्सा है, चाहे आप कॉन्टेक्ट जोन में हो या नो कॉन्टेक्ट जोन में हो, बट मुझे ये वाला मैसेज आ रहा है कि वो आपको लेकर भी थोड़ा बहुत गुस्सा है क्योंकि आपके थॉट्स उनके दिमाग में आ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे ये मैसेज आ रहा है कि अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में इन्वॉल्व्ड हैं तो थर्ड पार्टी के साथ उनका सिचुएशन जो ख़राब हो रहा है इससे उन्हें ऐसा लग रहा है कि कहीं इसके पीछे आप तो नहीं है। मैं भले ही आप इनके साथ नो कॉन्टेक्ट जोन में ही क्यों ना हो लेकिन क्योंकि इस पर्टिकुलर इंसान के दिमाग में आपके थॉट्स बहुत आते हैं और थर्ड पार्टी के साथ इनका जो भी अनहेल्थी सिचुएशन चल रहा है इस दौरान भी उनके दिमाग में आपके थॉट्स आ रहे हैं, तो इस वजह से भी ये इंसान परेशान है कि ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ और क्यों हो रहा है। ठीक है, ओके, लेट्स सी ऑप्शन वन, जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उस इंसान का करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, उसके बाद हम जानेंगे वो मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। थैंक यू, इस पर्टिकुलर इंसान का करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू, सेवन ऑफ वॉन्स, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उस इंसान का करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू, ओके, सन ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। करंट एनर्जी क्या है इस इंसान का और करंट सिचुएशन, क्योंकि वेट, करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन, इमोशंस इनका ओवरफ्लो हो रहा है करंटली, इमोशंस। एंड वन मोर थिंग, इनके अंदर की जितने भी ब्लॉकेजेस है ना वो अभी सामने आ रहा है, इनके सामने आ रहा है। ओके, एट ऑफ वॉन्स,
करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है इस पर्टिकुलर इंसान का। फोर ऑफ कप्स बराबर तरह की यहाँ पर है, फादर ऑफ सॉर्ट्स। ओके, आपके पर्सन का इस वक्त की जो एनर्जी मुझे दिख रहा है यहाँ पर, कुछ लोगों के लिए मैसेज आ रहा है जैसे कि आपके पर्सन डार्क नाइट ऑफ सोल वाले सिचुएशन से इस वक्त गुजर रहे हैं, उनका सिचुएशन कुछ ऐसा ही है। बातचीत करने में उनका इश्यूज क्रिएट हो रहा है, बातचीत करने में किसी भी इंसान के साथ कॉन्वर्जेशन करते वक्त उन्हें प्रॉब्लम हो रहा है, जो बोलना चाहते हैं वो बोल नहीं पा रहे हैं, उल्टा कुछ और ही बोल रहे हैं। इस तरह से लाइक बातों ही बातों में बहस होना, झगड़ा होना, इस तरह के कारण चिड़चिड़ापन छा रहा है उनका, ठीक है, सामने आ रहा है लोगों के सामने आ रहा है उनके चिड़चिड़ापन, चिड़चिड़ा बिहेवियर। लोग कहीं ना कहीं नोटिस कर रहे हैं कि इंसान हो क्या गया है इसको, ये इंसान पहले तो ऐसे नहीं थे, अभी क्या हुआ, इतना चिड़चिड़ापन क्यों इनके अंदर, इतना रूड एंड रफली क्यों बिहेव कर रहे हैं। सडनली उनका किसी के साथ तो ऐसा कम्युनिकेशन हुआ है जिससे उनको हिलाकर रख दिया हो, मतलब उनका दिल तोड़ दिया, सडनली उनका किसी के साथ ऐसा कम्युनिकेशन हुआ है। अगर आपके साथ नहीं हुआ है तो किसी और के साथ हुआ है, जिसके बारे में स्टार्टिंग में बोल रही थी, रूसना मनाना टाइप का सिचुएशन चल रहा है, तो उस पर्टिकुलर इंसान ने डेफिनेटली इनको कुछ ऐसा वैसा बोल दिया है जो ये सह नहीं पा रहे हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपके पर्सन फाइनेंशियल स्ट्रगल से भी गुजर रहे हैं, फाइनेंसिस भी उनका कुछ खास नहीं चल रहा है इस वक्त। पास की बहुत सारी ऐसी एनर्जीज है वो रिलीज़ नहीं करना चाह रहे हैं, जबकि वो सामने आ रहा है इस वक्त, ठीक है। कुछ ऐसी इनकी शेडोज़ हैं जो अभी इनके सामने रिवील हो रहा है, बट वो उसे देखना नहीं चाह रहे हैं, जैसे कि उनका चिड़चिड़ापन वो उनका एक शेडो साइड है और वो इसको इग्नोर करते हैं, उन्हें लगता है कि ये कोई गलत बात नहीं है, इसमें क्या है, ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन है ये गलत बात, चिड़चिड़ापन गलत है। चिड़चिड़ापन स्वभाव से किसी को भी खराब मतलब हानि पहुंचा सकता है, जिस इंसान को ये इशू है उसको तो हानि पहुंचाता ही है, साथ ही साथ वो जिसके साथ बातचीत करते हैं वो इंसान भी परेशान हो जाते हैं, उन्हें भी खराब लगता है। इस वक्त आपके पर्सन कहीं ना कहीं एक होप की तलाश में है कि बस मुझे यहाँ से निकलने का मौका मिल जाए, इस सिचुएशन से मुझे निकलने का मौका मिल जाए, इस अंधेरेपन से मैं निकल सकूं और मेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो जाए, सोल्यूशन मिल जाए, कहीं ना कहीं सोल्यूशन की तलाश में है। बट एट द सेम टाइम आपके पर्सन इस वक्त गुस्से में भी है, मैंने ये बात पहले भी बोला था, अभी भी कार्ड से भी मैसेज आ रहा है कि वो इस वक्त गुस्से में है। अगर आप भी इनके साथ बातचीत करते हैं तो पॉसिबिलिटी है कि वो आपके साथ भी झगड़ा कर ले, इस वक्त उनकी एनर्जी कुछ ऐसा है, क्योंकि ये खुद ही उनकी खुद की ब्लॉकेजेस सामने आ रहा है। तो ऑब्वियसली जब ब्लॉकेजेस सामने आता है तब इंसान थोड़े बहुत ऐसे हो जाते हैं, यू नो, चिड़चिड़ापन आ जाता है। लेट्स सी मेरे व्यूवर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए आफ्टर न्यू मून, ये पर्टिकुलर इंसान मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या फील कर रहे हैं। डेफिनेटली ये जो न्यू मून आया है लियो ज़ोडिएक साइन में आया था, और जिसके वजह से बहुत से लोगों का प्राइडफुल नेचर भी सामने आ रहा है, प्राइड एंगर इशू सामने आ रहा है। मेरे व्यूवर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहा है करेंटली, प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। सिक्स ऑफ कॉइंस, थैंक यू। मेरे व्यूवर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। इन्हें लग रहा है कि इनकी लाइफ आपके लाइफ से ज़्यादा टफ है, ओके, इनका लाइफ आपके लाइफ से ज़्यादा टफ है, ज़्यादा मुश्किल है, ऐसा उन्हें लग रहा है। थ्री ऑफ वॉन्स, वो आपके निखार को देख रहा है, निखार मीन्स वो क्वीन ऑफ सॉर्ट्स, यहाँ पर फादर ऑफ सॉर्ट्स है, यहाँ पर मदर ऑफ सॉर्ट्स है, आपके निखार को देख रहा है, मीन्स ग्लो अप, एक किस्म का ग्लो अप जो उन्हें लग रहा है कि आपके अंदर वो चीज़ आ चुका है। लाइक आप कुदरती तौर पर शक्ल से भी आप ग्लो कर रहे हैं, साथ ही साथ आपकी पर्सनैलिटी में भी बहुत कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए हैं, एक किस्म का ग्लो अप। वन मोर, थैंक यू। द मून बॉटम तरह के, यहाँ पर सेवन ऑफ सॉर्ट्स, आफ्टर न्यू मून की रीडिंग चल रही है यहाँ पर, और यहाँ पर द मून कार्ड भी आ गया है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत सारे इल्यूजन्स में हैं, जैसे कि मैंने बोला अननेसेसरी थॉट्स हैं इनके अंदर, और थॉट्स बहुत ज़्यादा सामने आ रहा है, रिवील हो रहा है, सरफेस में आ रहा है, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप इनके साथ बातचीत करने वाले तो है नहीं। अगर वो आपसे बात भी करने की कोशिश करते हैं तो आप उनसे पूरी तरह से कट ऑफ कर लेंगे, शायद कट ऑफ ऑलरेडी किया हुआ है आपने, इनको कुछ ना कुछ तो पास्ट में आपने लेसन सिखाया है जो उन्हें समझ में आ रहा है, अब वो आपको टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेने वाले हैं। इन्हें दिख रहा है कि आपका वर्थ क्या है, आपका वैल्यू क्या है, आप कितने पावरफुल सोल हैं, इन्हें ये चीज़ फील हो रहा है कि आप एक पावरफुल सोल हैं। एट द सेम टाइम ये पर्सन डिसेप्टिव एनर्जी में है, आपको लेकर ये जो भी फील करते हैं उसे कहीं ना कहीं ये खुद ही नकार रहे हैं,
इनके दिल में आपके लिए जो भी फीलिंग्स है, कहीं ना कहीं ये खुद ही उन फीलिंग्स को नकार रहे हैं और वो गुस्से में ही आपको देख रहे हैं, समझ रहे हैं आप। इस वक्त ये इंसान ऐसा नहीं कि आपको लेकर बहुत प्यार वाला फीलिंग्स इनके दिल में उमड़ रहा है, प्यार मोहब्बत ये वो करके आ रहा है, वैसा नहीं है। ये इंसान कहीं ना कहीं आपको एक अपनी मिरर के तौर पर देख रहे हैं, जैसे कि आप एक मिरर हैं और वो अपनी शक्ल उसमें देख रहे हैं और उनके शक्ल पे जो भी दाग धब्बे हैं वो उन्हें नज़र आ रहा है, जिसके चलते हुए उन्हें वो मिरर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ। आपने पास में जो उन्हें इनका असलियत दिखाया था, वो असलियत इनके सामने अभी आ रहा है सामने। पास में इन्होंने उस चीज़ को नकारा था कि नहीं, मेरे अंदर ये कोई कमी नहीं है, मैं ऐसा नहीं हूँ वैसा नहीं हूँ, तुम हो ऐसे। लेकिन अभी उन्हें समझ में आ रहा है कि वाकई में वो चीज़ें उनके अंदर हैं, वाकई में वो वैसे हैं जैसा आपने पास में इनको बताया था। लेट गो, मुझे सुना जा रहा है लेट गो, कहीं कि वो चीज़ों को लेट गो करने की कोशिश करें लेकिन वो हो नहीं पा रहा है। इनकी एक बुरी आदत है कि ये किसी चीज़ को अगर पकड़ लेते हैं तो उस चीज़ को निकाल नहीं पाते, रिलीज़ नहीं कर पाते, और इस वजह से इनको इस वक्त ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है रिलीज़ करने में, ठीक है। एक और चीज़ मुझे यहाँ पर मैसेज आ रहा है कि वो आपकी पॉजिटिव साइड को अभी नहीं समझ पा रहे हैं। क्या आपने जो भी बोला उनके साथ या जो भी किया वो उनके भले के लिए किया, वो उन्हें इस वक्त समझ में नहीं आ रहा है। इस पर्टिकुलर इंसान को उन्हें ये दिख रहा है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हो रहे हो, आप ग्रो कर रहे हो, आपके पास पैसों की कमी नहीं है, किसी भी चीज़ की मटेरियल चीज़ की कमी नहीं है, उन्हें ऐसा लग रहा है। कहीं ना कहीं वो खुद के साथ आपके लाइफ को कंपेयर कर रहे हैं, अपने लाइफ के साथ आपको कंपेयर कर रहे हैं। हाँ, उन्हें ये ज़रूर लगता है कि आप एक ऑनेस्ट इंसान हैं, आप लॉयल हैं, आप ऑनेस्ट हैं, ये ज़रूर लग रहा है। लेकिन जो जो चीज़ें आपने इनके बारे में बोला था या इनको गुस्से में आपने जो कुछ भी बोला था, वो उन चीज़ों को अभी भी मानने के लिए तैयार नहीं है। एक रिजिडनेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जैसे कि मैंने बोला, इस बार न्यू मून लियो में आया था, जिसके चलते हुए इंसान का गुस्सा, प्राइड, ज़िद्दी नेचर, ये सब सभी चीज़ें उनके ऊपर हावी हो रहा है कम ज़्यादा करके। जो लोग बैलेंस है उनका तो ठीक है, बट ये इंसान इम्बैलेंस है, तो इनके ऊपर इनकी यही सब चीज़ें नेचर शेडो बन के उनके सामने आ रहा है, ओके। फिलहाल मुझे ये दिख रहा है, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि इंसान आपको लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत उनके दिल में प्यार आ रहा है, वैसा वाला नहीं दिख रहा है। इस वक्त कहीं ना कहीं आपसे भाग रहे हैं ये इंसान, क्योंकि आपको देखने से इनको इनकी असलियत समझ में आ रहा है, इनको अपनी असली चेहरा दिखाई दे रहा है, ओके। लेकिन एक और चीज़, भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे, ठीक है, ये भी हो रहा है, ओके। ऑप्शन नंबर वन, ये रहे आपकी रीडिंग। यूजफुल लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कीजिएगा, ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर टू, अगर आप लोगों ने इस कार्ड को चूज़ किया नोज, तो ये रीडिंग आपके लिए। लेट्स सी, इस न्यू मून का असर आपके पर्सन के ऊपर किस तरह से पड़ा है, प्लीज़ मुझे बताइए। एंजल्स एंड स्पिरिट गाइस, जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन नंबर टू को चूज़ किया है, उनके पर्सन के ऊपर इस न्यू मून का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा है। ऑप्शन नंबर टू के व्यूअर्स के पर्सन के ऊपर इस न्यू मून का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा है, प्लीज़ मुझे बताइए। आपके पर्सन मुझे बहुत ज़िद्दी नज़र आ रहे हैं, इस वक्त इस न्यू मून का असर कुछ इस चीज़ के ऊपर पड़ा है कि अगर वो पहले से ज़िद्दी हैं तो अभी और भी ज़्यादा ज़िद्दी बन गए हैं। रूड, थोड़ा सा कोल्ड, डिटैच, इस सब की एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। बात करने के मूड में मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। हाँ, एक चीज़ मुझे दिख रहा है, उनका मन कर रहा है कि वो बात करें, लेकिन उनका ईगो कर रहा है, कह रहा है कि मुझे बात नहीं करना है। उनका मन कह रहा है कि मुझे बात करना है, लेकिन उनका ईगो कह रहा है कि मुझे बात नहीं करना है, और उनका ईगो बहुत ज़्यादा है। इस पर्टिकुलर इंसान का ईगो बहुत ज़्यादा है, इनका माइंडसेट कुछ ऐसा है, ईगोइस्टिक माइंडसेट मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बुरा मत मानिएगा, जो मुझे मैसेज मिलेगा वो मैं बताऊँगी। भले ही आप इस इंसान से प्यार करते हो, लेकिन कमियाँ तो होगा ही ना उस इंसान के अंदर। इस न्यू मून का इम्पैक्ट किस तरह से पड़ा है इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर, ये भी दिख रहा है कि इस बार, इस हफ्ते में, आई थिंक कुछ टाइम पहले से भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो मुझे दिख रहा है, इनका खर्चा काफ़ी बढ़ा है, खर्चा इनका काफ़ी बढ़ा है, ज़रूरत इनका बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ज़रूरत जितना बढ़ रहा है उस हिसाब से इनके पैसे नहीं बढ़ रहे हैं, मतलब इनका खर्चा करने का जो लिस्ट है वो बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन पैसे वही के वही हैं। 1000 कमाते थे, अभी भी 1000 ही कमाते हैं, लेकिन इनका खर्चा 2000 का है, समझ रहे हैं आप, कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे यहाँ पर।
और ये अपने इस खर्चा करने वाले नेचर को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। एक्सपेंसिव चीज़ें खरीदना या फिर ऐसे चीज़ें खरीदना जिसको जो इम्पोर्टेंट नहीं है उतना, ठीक है, बस अपना वो एक मन का कंट्रोल नहीं होने की वजह से जो शॉपिंग करते हैं ना लोग, मुझे कुछ इस टाइप का वाइब्स आ रहा है इस पर्टिकुलर इंसान से। प्लीज़ मुझे बताइए करेंटली ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, उनका सिचुएशन क्या है। एक किस्म का मेंटल ट्रैवल मुझे दिख रहा है आपके पर्सन का, मेंटल ट्रैवल जैसे कि एक जर्नी से दूसरी जर्नी की तरफ आगे बढ़ना या फिर अपनी ही जर्नी में आगे की तरफ बढ़ते जाना। मुझे दिख रहा है आपके पर्सन आगे बढ़ रहे हैं लेकिन उन्हें कुछ अंदाज़ा नहीं है कि फ्यूचर में होगा क्या। फ्यूचर को लेकर आपके पर्सन इस वक्त बिल्कुल भी लाइक श्योर नहीं है, इल्यूजन्स है बहुत ज़्यादा, कन्फ्यूजन है। वो बस आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना है, रुक नहीं सकते हैं तो वो आगे बढ़ रहे हैं, मुझे कुछ यही दिख रहा है यहाँ पर। कुछ इनर चाइल्ड इश्यूज भी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके पर्सन का। फिलहाल इनकी एनर्जी काफ़ी हद तक टॉक्सिक बना हुआ है। अगर आप या फिर कोई अदर इंसान इनके साथ बातचीत करते हैं, थोड़ा सा बातचीत करने से तो पता नहीं चलेगा लेकिन ज़्यादा टाइम अगर इनके साथ बातचीत करते हैं तो उन्हें उनकी इस पर्टिकुलर इंसान की एनर्जी टॉक्सिक लगेगा। ओके, जो इंसान भी इस पर्टिकुलर इंसान के साथ इस वक्त ज़्यादा बात करेंगे उनको इनकी एनर्जी काफ़ी टॉक्सिक लगेगा। आपके पर्सन को एंजल्स इस वक्त गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं पर उनका हार्टलेस टाइप का एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है, जैसे कि दिल तो है ही नहीं। और जब इंसान ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं तब वो डिवाइन से कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, साथ ही साथ जो भी एंजल्स हैं उनके साथ भी वो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं जब कोई इंसान बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड होते हैं। जो लोग इमोशनल होते हैं वो लोग डिवाइन के साथ भी कनेक्टेड होते हैं और लाइक एंजल्स के साथ भी कनेक्ट हो पाते हैं, डिवाइन की साइंस सिंक्रोनिसिटीज लोग समझ पाते हैं, लेकिन इस वक्त ये इंसान समझ नहीं पा रहे हैं पूरी तरह से, बट फिर भी डिवाइन इन्हें गाइड कर रहे हैं। ऑप्शन वन के व्यूअर्स, इस वक्त जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उस इंसान का करंट एनर्जी, करंट सिचुएशन क्या है प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर टू, इनके बारे में जैसे लोग बात कर रहे हैं करंटली और कुछ चुगलीबाजी टाइप के मुझे दिख रहा है, जैसे कि इस पर्टिकुलर इंसान के बारे में कुछ लोग चुगलीबाजी कर रहे हैं। कुछ फीमेल पर्सन का वाइब्स मुझे यहाँ पर मिल रहा है। फादर ऑफ कप्स फर्स्ट कार्ड यहाँ पर जंप आउट हुआ है, फादर ऑफ कप्स। अनदर कार्ड द चैरियट। ऑप्शन वन के व्यूवर्स, जिस इंसान के भी बारे में सोच रहे हैं उस इंसान का करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है प्लीज मुझे बताइए। कुछ थका हुआ सा इंसान मुझे ऐसा वाइब्स आ रहा है, जैसे कि वो थक गए हैं जो भी उनके लाइफ में इस वक्त स्ट्रगल चल रहा है, सिचुएशन चल रहा है। एस ऑफ वॉन्स, बॉटम पर रखें यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ट्स, उलझने हैं इनके माइंड में, शादी से रिलेटेड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है इनके लाइफ में, शादी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है इनके लाइफ में। एक किस्म का टॉक्सिसिटी है, इनकी जो मैस्कुलिन एनर्जी है जो वुंडेड है कहीं ना कहीं वो उससे रिलेटेड चीज़ें इस वक्त उनके सामने आ रहे हैं। इनकी मैस्कुलिन एनर्जी जो है वो वुंडेड है, ठीक है, और उनकी यही मैस्कुलिन साइड की जो भी वुंडेड पार्ट्स हैं लाइक सिचुएशन जो भी कह लो वो सभी इनके सामने आ रहे हैं। जिस रीज़न की वजह से भी इनका मैस्कुलिन साइड वुंडेड हुआ था वो सभी चीज़ें इनके सामने आ रहे हैं। दैट्स व्हाई मुझे इनर चाइल्ड इशू दिखा, चाइल्डहुड ट्रॉमास है इस पर्टिकुलर इंसान का जो इस वक्त सरफेस में आ रहे हैं। करंटली उन्हें लग रहा है कि उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल्स है, कुछ राह नहीं दिखाई दे रहा है, बस वो चलते जा रहे हैं एक अननोन रास्ते पर, बस वो आगे बढ़ रहे हैं। जिम्मेदारी इनके ऊपर मानो बहुत है और ये जिम्मेदारियाँ उनके ऊपर इस पर्टिकुलर इंसान के ऊपर बोझ बनता जा रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। मुझे एक वो दिख रहा है जैसे कि रेस में छोड़ा हुआ एक घोड़ा है, बस वो बस दौड़ रहे हैं, उन्हें नहीं पता कि वो जीतेंगे या हारेंगे, उन्हें कुछ नहीं पता है, कुछ इस टाइप का वाइब्स मुझे यहाँ पर आ रहा है। इनके थर्ड आई ब्लॉक्ड है,
ओके इनका थर्ड आई ब्लॉक्ड है, इंट्यूशन से रिलेटेड मैसेज मुझे यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है इस पर्टिकुलर इंसान का फिलहाल के टाइम पर, ठीक है ना। हो सकता है कि अपकमिंग टाइम पर इनका थर्ड आई ब्लॉकेजेस कम हो जाए, लेकिन फिलहाल जो मुझे दिख रहा है इनके थर्ड आई ब्लॉक्ड है। दैट्स वाई डिवाइन की गाइडेंस वगैरह भी ये इंसान पूरी तरह से नहीं समझ पा रहा है, लेकिन डिवाइन की नज़र इनके ऊपर पूरी तरह से है। फादर से रिलेटेड कोई इशूज हो सकते हैं, फादर इशू ज़रूरी नहीं, बट मुझे यहाँ पर फादर फिगर का इश्यूज़ यहाँ पर दिख रहा है। फादर फिगर का इशू, फादर से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं जो इस वक्त सामने आ रहे हैं इनके, और जो भी उनका डिस्टॉर्टेड मैस्कुलर एनर्जी है वो इस वक्त और ज़्यादा सामने आ रहा है। वो अपने लाइफ को पूरी तरह से एक नए तरह से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ नया हो, एक किस्म का होप है, थोड़ा सा होप है, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही होपलेस बन गए, थोड़ा सा होप है। कहीं ना कहीं ये अपने गोल की तरफ इस वक्त फोकस कर रहे हैं, पर्सनल लाइफ इनका बिखरा हुआ है जिसके चलते हुए वो अपने करियर की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान दे रहे हैं। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि लोगों की नज़र इनके ऊपर है, लोगों की नज़र इनकी करियर पे, स्पेशली पर्सनल लाइफ का तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन इन्हें लगता है कि लोगों की नज़र इनके करियर के ऊपर है, कि ये करियर पर कितने आगे बढ़ रहे हैं, कितना कुछ हासिल कर रहे हैं। कहीं ना कहीं लोगों का नज़र इनके करियर के ऊपर है, ऐसा इन्हें लग रहा है करंट टाइम फ्रेम पर। गुस्सा है नो डाउट, जैसे कि मैंने बोला वो कम्युनिकेशन को लेकर भी मैंने एक चीज़ बोला था कि मन तो करता है करें, लेकिन दिमाग कहता है, ईगो कहता है कि नहीं करना है। इस वक्त गुस्से में भी है ये इंसान, अगर ये कम्युनिकेट करते हैं तो झगड़ा कर सकते हैं। इस वक्त इनका कुछ ऐसा हो रहा है, इनको तानेबाजी सुनने को मिल भी रहा है किसी इंसान से, सबका तो मैं नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे कि मैंने देखा कुछ लोग इनके बारे में चुगली करते हैं, फीमेल पर्सन, कुछ फीमेल पर्सन पर्टिकुलर एक फीमेल पर्सन को काफ़ी हाईलाइट करके मुझे दिखाया गया था, वो पर्टिकुलर एक फीमेल पर्सन इनके बारे में बुरा भला बोलते ज़रूर हैं, मजाक उड़ाते हैं, या तो हंसी हंसी में, बहुत से लोग, एक स्वभाव होता है ना लोगों का, सबका नहीं बोलूँगी, लेकिन कुछ लोग होते हैं जैसे हंसी हंसी में, मजाक में आपके बारे में बहुत कुछ बुरा भला वो आपको आपके मुँह पर बोल देंगे हंसते तुम तो ऐसे ही हो, तुम तो पता ही है तुम तो ऐसे ही हो, कुछ इस तरह से ओके इस तरह से बोलते हैं बहुत से लोग। इनके साथ वो हो रहा है, वो पर्टिकुलर फीमेल पर्सन जो है वो इनके मुंह पे ये सब बोल रहे हैं, और आपके पर्सन का दिमाग ऑलरेडी घुमा हुआ है और घूम रहा है, लाइक उलझ रहा है और ज़्यादा, उन्हें पता है कि वो लड़के इनका इंसल्ट कर रहे हैं, लेकिन ये बदले में उन्हीं की तरह जवाब नहीं दे पा रहे, ये बदले में गुस्सा होकर गुस्से में जवाब दे रहे हैं, और कभी कभी वो भी नहीं दे पाते, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। फॉर ऑप्शन नंबर टू, ऑप्शन नंबर टू के व्यूअर्स इस वक्त जिस इंसान के बारे में सोच रहे हैं, उस इंसान का फीलिंग्स इस वक्त मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या है, आफ्टर न्यू मून मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या फीलिंग्स है। लवर्स, मेरे व्यूअर्स के बारे में ये इंसान क्या फील कर रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। मेरे व्यूअर्स के बारे में ये इंसान क्या फील कर रहा है, थैंक यू। फ़ोन करना चाहते हैं, एक तो मुझे ये मैसेज आया है, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए, थैंक यू। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऑप्शन वन के व्यूअर्स भी हैं यहाँ पर, बड़ा ऑन द डेक है यहाँ पर टू ऑफ सॉर्ड्स, बिट्रेयल की एनर्जी मुझे मिल रहा है पास्ट में, या तो इन्होंने आपके साथ धोखा आपको धोखा दिया, या फिर इन्होंने आपको धोखा सॉरी या तो इन्होंने आपको धोखा दिया, या फिर आपने इनको धोखा दिया, कुछ तो है, आप अपने हिसाब से देखिएगा। मुझे दो टाइप का एनर्जी मिल रहा है, या तो इन्होंने आपको धोखा दिया है, ज़्यादातर लोगों के लिए मैसेज आ रहा है कि इन्होंने आपको धोखा दिया था पास में, और कुछ लोगों के लिए मुझे मैसेज आ रहा है कि आपने इनको धोखा दिया था, ठीक है। देखिएगा आपके साथ कौन सा रेजोनेट करता है, क्योंकि सबका सिनेरियो सेम तो नहीं है, तो धोखा वाला जो एनर्जी है वो इस वक्त इनके दिमाग में घूम रहा है। अगर इन्होंने आपको धोखा दिया था, वही चीज़ें इनके दिमाग में अभी घूम रहा है कि मैंने ऐसा ऐसा किया था, अभी देखो मेरे साथ ये सब हो रहा है, समथिंग इस तरह से। इन्हें ऐसा लगता है जैसे कि आप इनके पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत नज़र रखते हो, ओके इनको ऐसा लगता है कि आप इनके पर्सनल लाइफ में थोड़ा बहुत नज़र रखते हो, स्पाई करते हो, इन्हें ऐसा फील होता है, और या और कहने की ये भी आपको इनडायरेक्टली स्पाई करते हैं, डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे इनडायरेक्टली दिख रहा है जैसे कि ये इंसान भी आपको इनडायरेक्टली स्पाई करते हैं। आपको लेकर इन्हें श्योरिटी नहीं मिल रहा है, सोचते हैं आपके बारे में बहुत ज़्यादा, लेकिन श्योर नहीं है आपकी फीलिंग्स को लेकर।
अगर पास में इस इंसान ने आपको रिजेक्ट किया था या धोखा दिया था, तो अभी इनको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं उस पर्टिकुलर इंसान के दिल में अभी मेरे लिए क्या फीलिंग्स है, क्योंकि पास में तो मैंने ऐसा किया, तो अभी इनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स है भी कि नहीं, या ख़त्म हो चुका है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप थोड़े बहुत चूजी हैं, पिकी हैं, आप इतना इजीली लोगों को पसंद नहीं करते, आप इतना इजीली लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, उन्हें ये भी फील हो रहा है। और जो कि आप इतने इजीली लोगों के साथ घुलते मिलते नहीं हैं, इस वजह से हो सकता है कि अभी आप फिर से इनके साथ दोस्ती ना करें या फिर उन्हें माफ़ ना करें, ऐसा इनको इस वक्त फील हो रहा है आपको लेकर। मेरा मन कर रहा है कि मैं आप लोगों के लिए इस डेक का इस्तेमाल करूँ, आई डोंट नो व्हाई सडनली मेरा मन हुआ है, मैं करके देखती हूँ मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। इनफैक्ट मैं ये भी भूल गई कि मैंने ऑप्शन वन में ये डेक यूज़ किया था या नहीं। मेरे व्यूअर्स को लेकर ये पर्टिकुलर इंसान क्या फील कर रहा है, प्लीज़ मुझे बताइए। हेड के हॉक, मेरे व्यूअर्स को लेकर ये इंसान क्या फील कर रहा है। लव, राइट। इस इंसान को ऐसा लग रहा है आप अपने इमोशंस को हाइड करते हैं, जैसे कि ये इंसान अपने इमोशंस को हाइड करते हैं। ओके, आपके लिए कहीं ना कहीं ये इंसान फील कर रहा है, इमोशंस इनके दिल में आपके लिए है, जाग रहा है करंट टाइम फ्रेम पर, लेकिन ये इंसान अपने इमोशंस को शो करने के मामले में बहुत ही ज़्यादा स्लो है, बहुत स्लो। ओके, और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले हैं, जो कि इन्होंने आपके साथ कुछ तो किया है गलत पास्ट में, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत अकेले हैं, और आपके अंदर जो ये अकेलापन आया है वो इस पर्टिकुलर इंसान की वजह से ही आया है। सेम चीज़ उनके साथ भी हो रहा है, उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं भी तो अकेला हूँ या अकेली हूँ, जो भी है, मैं भी ऐसा हूँ, और उनके साथ भी शायद अभी ऐसा ही हो रहा है, उन्हें ऐसा डीप डाउन फील हो रहा है आपको लेकर। और जैसे कि मैंने बोला, उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपने इमोशंस को शेयर नहीं करते, शो नहीं करते, उन्हें ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि आपके दिल में ज़रूर इनके लिए थोड़ा बहुत तो फीलिंग्स रहा होगा, है थोड़ा बहुत तो होगा, पर आप शो नहीं कर रहे। ओके, ये रही है आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स आपको लेकर। कुछ भी अगर आपके साथ रेजोनेट हुआ है या हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, बाय।